हमारे इस चैनल मैथिली गंगा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सुनिए जी, क्या अपने हाथ से आप नहीं खाइए, मैं खिला देती हूँ। अभी तुम खिलाओगी, इसके बाद सब दिन मैं खिलाऊंगी। कैसे? खाओ ना, मुंह में खिलाती हो? हाँ, मुंह में खाओ। बहुत बदमाश लड़के, मजाक करना चाहते, खाइए महाराज, खाओ भाई नंदन, खाना खा लो। लेकिन देवर जी, क्या ये कौन सा महीना है? ये महीना कौन सा महीना है? ये महीना फागुन है, होली का दिन है। अच्छा ठीक है, होली का दिन है। आप वादा किए हुए थे होली में आकर के, मतलब फागुन में आकर के मुलाकात करने का। हाँ ठीक है, मानती हूँ इस चीज को। खाइए, खा लो भैया। ठीक है, खाइए। अरे खा लो खाना। ये लो भाभी, लो, मैंने खाना खा चुका। लो संभालो इसे, बहुत गर्म है थाली भी। थाली गर्म? अरे अभी गर्म खाना है। हाँ। हम बस्नाबाद में काला छागर का मीट बना हुआ है ना, इसलिए हम नहीं खाएंगे। क्या तुम नहीं खाना खाए? ना, काहे नहीं खाइएगा, मांस मछली है ना, इसने हरान कर दिया, नहीं खाइएगा। लड़की बहुत खराब लड़की है तुम। जा रही हूँ खबर देने के लिए। किसको? डाक बंगले के पास, अपने महाराज के पास। क्या कैसे? हाँ क्या देवर जी? भाभी जी सुनिए, एक बात है। हाँ। हम लोग तो खाना खा चुके। हाँ। तो आपको शादी करना है कि नहीं? अरे आप लोग किस लिए है? शादी करने के लिए। हाँ, तो आप अपने भाई को यहाँ से पत्र लिखिए ताना दे करके, जो भैया जी मैं शिव मंदिर में शिव बाबा को पूजा कर रही थी 700 सहेली के साथ, महप्पा निवासी उदय चंद्र सिंह, साथ में दुनंदन झा और रुपना खवास भोरा बेंद्रा संदला के साथ आकर के हमको डोली घेर रखी है। ठीक है, इधर आओ मेरी बहन, मैं तुमको पत्र लिख देती हूँ, ये पत्र लेकर के भैया को पहुंचाया। खाली अलग करो, खाली रख दो वहाँ। तक हम लोग बैठते हैं। बैठिए। अलग बलग सिरी नमा बांधगी, अलग बलग सिरी नमा बांधगी, बिच मेली खूब बड़ा बिरोग, बड़ा बिरोग है रानी सोना की। जुलूम बीत गए परले हो गए, भैया सुनाए नैना बाल, जुलूम बीत गए परले हो गए। तीन जवान आया मुहबा से, टोली घेर लिया सोना को। जतिया हमर भैया बसते सोना के, यही बात या बनाई जतिया ये भैया हो, नहीं जतिया बते सोना के।
अभी तक बहन सोना शिव बाबा को पूजा करने के लिए गई, अभी तक वो लौट कर नहीं आई है। खैर ठीक है, मैं थोड़ा देर और इंतजार देखता हूँ, उसके बाद मैं स्वयं जाऊंगा शिव बाबा के पास। और राजकुमारी शुभ आशीर्वाद हो। क्या तुम लोग पूजा करके चली आई? मैं तो चली आई। और बहन सोना कहाँ है? बहन सोना एक पत्र लिख के भेजाई है। ये पत्र बहन सोना भेजी है? हाँ। और इसमें लिखी है कि भैया सुना, शिवा इंद्रमोर, पाती पढ़ते देर न करना, चरके आना मंदिर के पास, दो छोटा चरके सिंह मंदिर में आ गया है, मेरा डोली घेर लिया है। हाँ? हाँ, ये बात तो सच है। ये बात सच है? हाँ। खैर ठीक है राजकुमारी, तुम जा सकती हो, मैं स्वयं इस बात को लिए सोच लूंगा। ओ, मोहब्बा की रहने वाले हैं? क्या मोहब्बा को रहने वाला है? चंद। खैर ठीक है भाई लहरा, इस समय तुम मेरे सामने में हाजिर हो, मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। ये इतनी बड़ी हिम्मत उस कायर उदला को कि आज शिव मंदिर में चढ़कर आ गया। कौन भाई लहरा? भैया जी, आज जुल्म की बात है। क्या हुआ जुल्म की बात है? तो जवान मोहब्बा से चढ़कर शिव मंदिर में आ गया है और बहन डोला बहन सोना की डोली पर हमला कर रहा है। कौन सा जवान, कहां के रहने वाला? ये मोहब्बा निवासी है जिसका नाम उदय चंद्र है। अच्छा, वो चढ़कर आ गया है शिव मंदिर के पास। मैं पहले समझाया था भैया जी, आप मेरी बात को नहीं माने थे। ये बात तो सही है, खैर उसके लिए क्या चिंता है, वो खरगिदर के लिए मत चिंता करो। अगर वो कायर शिव मंदिर में जब आ गया है तो वो अपने मौत का लेकर आए। उसके लिए क्या सोचना होगा? क्या तुम जा सकते हो? मैं? हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा भैया जी। ठीक है लहरा, तुम जाओ और उस खरगिदर को मारना नहीं, जिंदा पकड़ कर मेरे सामने में हाजिर करना। चेहरा देखेंगे पापी दला कभी रे कसा ये सकल के जाओ और उस कायर को घिसेट में लाना, उसका चेहरा देख लूंगा कि किस ढंग का उसका चेहरा है। सही बात है, मेरा नाम वो सुना है नहीं और आंखों से देखा है नहीं, लेकिन इस बार पाला उसको हमारे हाथ से पड़ेगा।
सही बात है भैया जी, आप बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जैसे हो वैसे मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, जब तक मैं आराम करता हूँ। आराम जाओ। लहरा रवाना शिव मंदिर के, जहाँ बैठा पापी ये मोहब्बत रानी सोना ने परमाना लेकर भेजी राज नैना के अंदर सुराइंद्र को, यहां साज उदल को नाम सुनकर सुराइंद्र चढ़कर इस मंदिर तक वो नहीं आए। कुछ देर इंतजार कीजिए जंगी महाराज। ठीक है, अगर आएगा तो मैं उसे देख लूंगा कितनी ताकत सुराइंद्र का पास है, आने दो उसे। ठीक है, बैठ जाइए। शायद यही मंदिर है। कौन कौन हो तुम? मैं मैं वो हूँ जिसके नगर में तुम पहुंचे हो। नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम लहरा सिंह है। लहरा सिंह, अरे सुराइंद्र का छोटा भाई हो तुम? हाँ। सुराइंद्र कहाँ है? भैया जी अभी पूजा करने के लिए गए इंद्रपुर। अरे नैला, तुम क्या मेरी लड़ाई में? तुम्हें सुराइंद्र को भेजना चाहिए था, शायर को फैलना चाहिए था। छोटी मुंह बड़ी बात बनाने की कोशिश किया, मार दूंगा झाप पर बतीसो। लड़ा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लगता है तुम मेरे मार से नहीं बचोगे, मर जाओगे। तुम अपने घर ब्याही को मुंह देख नहीं पाओगे। मरने के लिए मैं रानी सोना की डोली लेने के लिए आया हूँ। हाँ, क्या डोली की नाम नहीं लेना? हाँ, चाहते हो क्या तुम? तो मैं जिब्बा तास लूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। शत्रु
पहले मैं नहीं समझाया था, भेज दो इसे लाश को, भेज दो जहां स्वा इंद्र है। ठीक है जंगी महाराज, मैं अवश्य भेज देता हूं। जल्दी आओ स्वा इंद्र, तुम्हें भी देखूंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ स्वा इंद्र। लाश को भेदो स्वा इंद्र का बंगला पे, जहां स्वा इंद्र है। और स्वा इंद्र को बोल देना कि उदयचंद्र सिंह को मार कर ला रहा। हम बोलेंगे। हाँ, उसको बोल देना कि उदयचंद्र को मार कर लाया है। उदयचंद्र को मार करके खत्म कर दिया, खत्म करके लाया है। लहराने गया उदल को लड़ाई में, उदल को मारकर भैया जी मैंने लाश भेज रहा। कहीं पकड़ लेगा तब? और नहीं पकड़ेगा। जाओ, घबराओ नहीं। तो इसको कहे खत्म कर दिया? अरे मैंने इसे बहुत समझाया हूं, बात को नहीं माना ये। नहीं ना मानना चाहिए था, लड़ाई में तो मरा गया तो क्या आप सोच कर रहे हैं? चाह पी लिया, पैसा कौन देगा इसका? हा? अरे पैसा मैं दूंगा। जब आया है लड़ाई करने के लिए तो चाह पी लिया है, उधारिए तो मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, उठाइए। मंदिर के पास क्या अभी तक लौट कर नहीं आया? खैर ठीक है, मैं थोड़ा देर और इंतजार देखता हूं, उसके बाद मैं स्वयं जाऊंगा। महाराज की जय हो। अरे क्या खुशहाली है शिव मंदिर का? बहुत अच्छा खुशहाली है। क्या अच्छा है ना? ए, क्या कहना है महाराज, वहाँ तो बहुत खुश हो गया। अरे क्या हो गया? किसको भेजे थे आप? अपने भाई लहरा को भेजे थे। किस लिए? इसलिए कि जो दो जवान मोहब्बा से आया था उसी को मारने के लिए, पकड़ने के लिए। मैंने कहा कि उसे मार कर मेरे पास लाना, नहीं तो जिंदा लाना पकड़ कर। बहुत अच्छा किए। तो आपका भाई बहादुर निकल गया? अच्छा, वो गया रण क्षेत्र में और उदयचंद्र बोले हैं। हाँ। वह उदयचंद्र को मार कर खत्म कर दिया। क्या कहा, मार कर खत्म कर दिया? हाँ, मार कर खत्म कर। जा रे उदला, तुमने अपने को वीर सोचता था, बलवान सोचता था, लेकिन आज तूने इस दुनिया से चल बसा। खैर ठीक है। और आपका भाई जो है? हाँ। वह पीछे से आ रहा है। क्या पीछे से आ रहा है? और उधर का लाश आपको मरा हुआ मुंह देखने के लिए आपका भाई आगे भेज दिया है। ठीक है, तो मैं उसे मरा भी देख लूं चेहरा। उधर का लाश आ गया है। आ गया है ना, चलिए दिखा ले। ठीक है, चलो। यही है। ठीक है, मैं चेहरा देख लेता हूं, है ना?
ठीक है, मैं इसे आसमान में जलाकर उसके बाद उस पापी दुला को मैं पीछा करूंगा, मेरे पंजा से वो जाएगा कहा। मेरे बहादुरों इसे ले चलो आसमान में ले चलो और इसको, इसको हाँ जलाइएगा। हाँ ठीक है, लेकिन खत्म हो गया आपका भाई। क्या करे, खैर ठीक है, मेरा भाई खत्म हो गया, लेकिन उस कायर उदला को मैं जिंदा कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा खत्म हो गया, क्या है खत्म हो गया? नहीं ना, मारना चाहिए था इसको। उसको मौत था, शौक से मरा है, शौक से। शौक से नहीं मरा है, आप शौक से मरवा दिया उसको। अरे जाओ, मैं शौक से नहीं मरवाया। खैर ठीक है, जैसे मेरे भाई लाड़ा को मारा है, आज उसी तरह उस दुश्मन को मैंने नहीं मारा तो फिर मेरा नाम सुबह इंद्र नहीं। कहा मार दिया उसको? फिर वही बात, उसको नहीं ना मारना चाहिए था। खुशहाली हो रहा है जिना, तो फिर चलो। तो क्या हम रोले इसको यहाँ इसके लिए? रोना? अरे रोने से भी नहीं वापस आएगा। आप भी तो नहीं रोते हैं, रोइए ना खूब। मैं क्या करूँ, रोने से भी नहीं वापस आएगा। और नहीं रोएगा तो कहिए हमको। बकवास क्यों कर रहे हो तुम? कहिए हमको मजदूर मंगवा देते हैं रोने के लिए। चलो ले चलो। जंगी महाराज, मैंने लाड़ा को सीढ़ काटकर स्वा इंद्र को यहां भेजा, शायद उदल को नाम सुनकर स्वा इंद्र से भय खा गया। अब लगता है वो मेरे लड़ाई में नहीं आएगा, मेरे लड़ाई में नहीं आएगा। जंगी महाराज कुछ देर इंतजार कीजिए, वो स्वा इंद्र अवश्य आएगा। ठीक है, ठीक है। कौन? कौन हो तुम? गौर से पहचान लो कि मैं कौन हूं। शायद मेरा नाम तुमने सुना नहीं कभी था, चेहरा से नहीं देखा था। नाम क्या है? मेरा ही नाम स्वा इंद्र है। स्वा इंद्र? हाँ। तुम्हारी नाम स्वा इंद्र है? हाँ, मेरा ही नाम स्वा इंद्र है। अच्छा, बात क्या है यहाँ आने? बात वही है कि तुम अपनी जान की भलाई चाहते हो तो उल्टे कदम को लौट जाओ, बैठ के सोच लो, बाद में चलकर इसका बुरा अंजाम मिलेगा तुम्हें। बस कर। कौन मैं? ये बता, तुम अपने बहन की डोली देने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर डोली का नाम लिया तो सोच लो, ये खंजर तुम्हारे गर्दन के ऊपर जाएगा। मेरे गर्दन के ऊपर? और जाओ, क्या मैं तैयार हूँ? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ, हो जाओ। तुमने सोचा कि मैं वीर हूं, पहलवान हूं, मैं जा रहा हूं किससे? शिवा इंद्र से युद्ध करने के लिए। कायर, तुमने शायद मेरा नाम नहीं सुना था, तुम रण छोड़कर भाग चला। खैर, तुम कहां जाओगे? मैं तुम्हें पीछा करूंगा
अपनी तलवारों से तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। देवर जी गए रणभूमि में युद्ध करने के लिए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। उन्हीं का मैं इंतजार कर रही हूं। बचा लो मुझे। क्या हुआ देवर जी? बचा लो भाभी मुझे। बचा लो देवर जी। मैंने बहुत घबराहट में आपको देखती हूँ। घबराने की बातें हैं। क्या हुआ है? मैं अभी शिवाहिंद को लड़ाई से आ रहा हूँ। देवर जी मैं आपको पहले मना की हुई थी, आप सुबह भैया से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए करके आप यही से मोहब्बत चलिए। आप मेरे कहे हुए बात को न मान करके अब गए भैया से जुट करने के लिए, जिसका कि नतीजा यह हुआ आप रणभूमि छोड़ करके भागे हैं। हाँ, अभी भी मौका है। क्या यहाँ से हम लोग भाग चले? क्या यहाँ से? हाँ भाग कर। हाँ देवर जी। अच्छा मैं भी भागना चाहता हूँ। मैंने लड़ते लड़ते स्वांग से परेशान हूँ। एक को काटता हूँ तो अनेक पैदा होता है। क्या जाने क्या अंश का पास है, कौन अंश से लड़ाई करता है। एक को मारता हूं तो अनेक पैदा होता है। देवर जी शुभा भैया ऐसे नहीं मर सकते हैं। कैसे मरेंगे? क्योंकि शुभा भैया को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। अच्छा शुभा भैया का प्राण अमर ढोलक में है। अच्छा आपके बस का बात नहीं जो शुभा भैया को मरेगा। आप मार दीजिएगा। कैसे मरेगा स्वाइंद्र? ठीक है इसके लिए मैं उपाय सोचती हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। देवर जी आप बैठिए शिव मंदिर में, मैं जा रही हूँ इंद्रासन। अच्छा ब्रह्मा जी से मैं ढोल मंगनी करके। अच्छा और आपके सामने में वो ढोल को मैं फोड़ दूंगी। अच्छा उसके बाद सोचा जाएगा। धन हो भाभी मैं बैठू मंदिर में। बैठी। अच्छा जय माँ दुर्गा ही जय जगदम्बा। जय माँ दुर्गा ही जय जगदम्बा। माता साधारा हो तैयार साथी रहना माँ जगदम्बा। Bye.